हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमेशा की तरह उम्मीद करूं आप अच्छे होंगे ना, मस्त होंगे और पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आइए आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में आज मैं आपको एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। और तुरंत इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच इन ब्रांच, मतलब ब्रांच के अंदर में ब्रांच हो जाए उसको, जिसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच भी कहते हैं, तो उसका कैसे नोमेनक्लेचर करें। तो दौड़ के जाइए, कलम कॉपी लाइए और हमारे साथ हो जाइए तैयार। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास अल्केन है कोई, और इस अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा लीजिए, कितना, एक हाइड्रोजन, तो बन जाता है अल्काइल। ये अल्काइल हो गया, जो ग्रुप है उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कह देते हैं। एक अब देखिए, यहां पर अगर हम लोग कहें कि इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस टू, तो दोस्त अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा ही लें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस वन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल है, जैसे ये CH4 का नाम है मेथेन। क्या नाम है दोस्त, मेथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा लीजिए, ये हो गया मिथाइल, CH3 हो, इसी को अल्काइल कह रहे हैं हम, याद रख, इसी का नाम। जैसे C2H6 है, एथेन है, तो एथेन से एक हाइड्रोजन C2H5 हुआ और इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। इसका नाम हो गया इथाइल, इसका नाम क्या हो गया, मीथेन से नाम हो गया था मिथाइल। तो अब यहां पर देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर किसी ने इस तरह से हमको क्वेश्चन दे दिया, और कहा कि इसका नाम, देखिए एक तरह का अल्काइल ग्रुप है, यहाँ के हाइड्रोजन हटा हुआ ना, तो याद रखिए एकदम सिंपल सा लॉ, याद रखिए एकदम सिंपल सा रूल है। रूल ये है कि जहां से हाइड्रोजन हटा ना, वही एक नंबर है, 1, 2, 3। तो देखिए, दो नंबर पर मिथाइल हो गया, नाम है 2-methyl, ठीक है, 2-methyl, कितने कार्बन है, टोटल है 3, तो 3 को प्रोपेन होना चाहिए, तो अल्केन रहता तब ना प्रोपेन, तो अल्काइल ग्रुप का, तो नाम हो जाएगा 2-methyl प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है। अब देखिए इसकी खासियत यह है दोस्त कि यहां पर ये देखिए, ये हो गया, तो जहां से हटा गिनती हमेशा यहीं से होगी, 1, 2, 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1, 2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, जरा देखिए इसका क्या नाम होना चाहिए, ध्यान से देखिए, 1, 2, इसका नाम हो गया 1, 1 डाइमिथाइल। गलती से मैं ये कभी कभी स्मॉल लेटर लिख देता हूँ स्टूडेंट, पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होता, 1, 1 डाइमिथाइल। देखिए एक ही नंबर पे दो ना, दो कार्बन है तो नाम हो गया इथाइल। तो इस तरह से अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी मिले, ये CH3 है, यहाँ पर ये एक बॉन्ड है खाली पड़ा हुआ है, और इस तरह से देखिए, तो हमेशा काउंटिंग यहीं से होगी, 1 इधर बढ़ जाएंगे, 2, 3 क्या हो जाएगा, 1, 2 डाइमिथाइल, ये क्या हो गया आपका, तो प्रोपाइल हो गया। अभी ये वही है 1, 2 डाइमिथाइल, देख रहे हैं ना, इस तरह से हमने उसको लिख दिया। मतलब ये हुआ कि जहां पर भी आपको लगे कि ये यहां से हाइड्रोजन हटा हुआ, ये अल्काइल ग्रुप है, वहीं से काउंटिंग करते हैं। अब ये जब ब्रांच में लगते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच या सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच, और तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई ब्रांच दो होता है तो उसके लिए आप डाई टर्म का यूज करते हैं, डायमंड दो, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, ऐसे ऑनवर्ड बढ़ता जाता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच, जिसको सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच कहते हैं, जिसको ब्रांच इन ब्रांच कहते हैं, अगर उसकी संख्या दो हो जाए तो वहां पर डाई नहीं, अब 20 टर्म का यूज करेंगे, 20, 3 हुआ तो ट्रीस, 4 हुआ तो टेट्राकीस, 5 हुआ तो पेंटा किस, हेक्सा किस, ऐसे ही बढ़ता जाएगा किस पर किस। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कल्पना करिए स्टूडेंट्स कि ये आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए, एक ये हुआ, इस तरह से कुछ हुआ,
यहां पर ये है मान लीजिए, और ये बढ़ता चला गया इस तरह से। अब सोचिए जरा कि इस कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सबसे लंबा का एल्केन है, तो सबसे लंबा कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे और सबसे लंबा कार्बन चेन आपका ये हो गया। सबसे लंबा कार्बन चेन हुआ ना, तो अब देखिए ये ब्रांच हुए, अगर ये सबसे लंबा कार्बन है तो ब्रांच हुए, यह भी जो आपका एक ब्रांच ही है और यह भी आपका एक ब्रांच है। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह भी तो एक ब्रांच हुआ। तो देखिए इस ब्रांच का नाम तो मिथाइल है, इस ब्रांच का नाम मिथाइल है, इस ब्रांच का नाम मिथाइल है, कि इसका क्या नाम है। तो यही बात सिखाने के लिए मैंने बताया कि ये देखिए ब्रांच के अंदर में ब्रांच, तो यहां पर जुड़ा है ना, तो गिनती यहां से कर देंगे। इस ब्रांच का नाम जानना है तो 1, 2, तो इसका नाम देखिए एक नंबर पे दो कार्बन, तो नाम है 1.1, ये डाई मिथाइल इथाइल। आप समझिए कैसे, एक नंबर पे दो ब्रांच है देखिए ध्यान से, और दो कार्बन टोटल हैं। इस पूरे पेरेंट चेन को अगर देखें हम ध्यान से, तो इसका तो पेरेंट चेन ही हो गया, तो इसमें दो कार्बन है और एक ही नंबर ब्रांच हो गया, तो 1.1 डाइमिथाइल इथाइल। अब जरा देखिए काउंटिंग कहां से करें, 1, 2, 3 पे ब्रांच और 1, 2, 3 पे ब्रांच नहीं, तो समझ गए हम लोग गिनती यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टूडेंट सात नंबर पर इथाइल है तो लिखेंगे 7 इथाइल, 7 चौक ही टूट गया, 7 इथाइल, 3 और कहां पे है 5 पर, ये हो गया डाई मिथाइल। अच्छा दोस्त इसका क्या नाम है, तो 5 नंबर पे है। यहां पर एक और भी बात ध्यान रखनी है, जब ब्रांच इन ब्रांच हो, सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच जिसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो कितने नंबर, 5 नंबर पर। क्या नाम है इसका, तो यही पर नाम लिखा हुआ 1.1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रांच का नाम है और कुछ नहीं, और 10 है तो डेकेन लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल से आइए क्लियर करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट्स। मुझे यकीन है कि ये एग्जाम्पल आपको और ज्यादा क्लियर करेगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। एक दो तीन, एक बीच में और कार्बन हम जोड़ना चाहते हैं, यहां पर इसको देना चाहते हैं, फिर उसी तरह से एक और सिमिलर ब्रांच में यहां लगाना चाहता हूं, ये CH3 है। आगे बढ़ते हैं, अब मान लीजिए कि यहां पर इथाइल जुटा हुआ है, कोई बात नहीं, यहां पर मिथाइल है, सॉरी यहां पर एक कार्बन है, मान लीजिए कि CH2 CH3 है और यहां पर यह है, तो मुझे सबसे लंबा कार्बन चेन का चुनाव करना है, तो मैं सबसे लंबा कार्बन चेन का चुनाव यहां से करना पसंद करूंगा और मैं आकर नीचे धरा के मुड़ जाऊंगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप उसके बाद इसका नाम लिख के देखिए क्या होना चाहिए। तो एक के बाद दो पे कार्बन है, तो मैं काउंटिंग तो यहां से करूंगा ही, उधर से देखिए दो पे नहीं ना, 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। स्टूडेंट देखिए मैं उस समय से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्त मेरे ये तो जानते ही हो कि मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, बस इसको समझने की कोशिश करना है हमें कि ये क्या है, इसका नाम क्या है। तो कुछ नहीं, ये भी ब्रांच है और एक ऐसा ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर में ब्रांच है, बस इतनी सी बात है ना, तो नहीं घबराना है। इसकी गिनती हमेशा यहां से होगी 1, 2, 3, देखो ध्यान से 1.2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1.2 देखिए एक नंबर पे दोनों पे है, 1.2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, तो नाम क्या होगा जरा ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर पे है तो ये इथाइल है, तो लिख देंगे 7 इथाइल, यहां लिख देता हूं 7 इथाइल, चलिए ठीक है 7 इथाइल हो गया। उसके बाद मिथाइल कहां है, तो 2, 3 और 10 पे है, अगर कहीं छूटा होगा तो बताएंगे मुझे, 2, 3 और 10, ये ट्राई मिथाइल हुआ। अब देखिए जो ब्रांच यहां है सिमिलर, यही सेम टू सेम ब्रांच ये है,
वो भी गिनती 1 2 3 देखिए 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, तो कहां का है 5 पे और 6 पे, तो लिखेंगे 5,6 और चूंकि 2 ब्रांच हो गए ब्रांच इन ब्रांच तो लिखेंगे यहां 20, क्या लिखेंगे बोलिए, ये हो गया 20। जैसे यहां पर आते थे आप लिखते थे 2 को डाई लिखते हैं ना, अब क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे और फिर इसका नाम लिख देंगे आप ब्रैकेट में, ये नाम हो गया क्या नाम है 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक ब्रांच खत्म। देखिए ध्यान दीजिए 7 नंबर पे इथाइल है हमने लिख दिया, 2 3 10 पर मिथाइल है, सॉरी 7 नंबर पे इथाइल हमने लिख दिया, 2 3 और 10 नंबर पर मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल लिखे, 5 और 6 पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो 5,6 2 ब्रांच हो गए कॉम्प्लेक्स तो हमने उसको लिख दिया 20, 1,2 इस ब्रांच का नाम क्या 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल हुआ, टोटल कार्बन कितना है 12, मान 12 को क्या बोलते हैं ड्यूडेकेन, तो आपने लिख दिया ड्यूडेकेन। स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल से एक दो और एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं तो जल्दी से आप इसे नोट करिए ताकि एक दो और एग्जाम्पल दे सके हम। आइए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ब्रांच के अंदर में ब्रांच हो जाए तब उस कंडीशन में उसका नाम कैसे लिखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया यहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको रहने देते हैं, इतना ही छोटा ही ब्रांच लेते हैं। मान लीजिए कि इधर एक इथाइल है, यहाँ पर एक और जोड़ देते हैं, चलिए मिथाइल जोड़ देते हैं, थोड़ा सा आपको मजा आए, ज़्यादा ब्रांच रहेगा तो लिखना अच्छा लगता है। तो अब देखिए ये कंपाउंड हुआ, आप इसका नाम चाहते हैं तो पैरेंट चेन तो घेरेंगे ना सबसे पहले, तो ये आपका पैरेंट चेन हो गया। अब काउंटिंग 1 के बाद 2 3 पे भी ब्रांच नहीं और यहाँ से 1 2 3 पे ब्रांच है तो मैं इधर से काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझने की एकदम कोशिश करिएगा, भाई साहब आप जान रहे हो कि ये इथाइल है ना, ये मिथाइल है, लेकिन ये क्या है, इसका नाम इथाइल मिथाइल प्रोपाइल में से कुछ है क्या, तो जवाब होगा नहीं। तो इसका नाम जानना है मुझे, तो देख रहे हैं कि यहां पर ये जुड़ा हुआ है तो जहां जुड़ा हुआ है एक है तो 1 2 ये है 1,1, देखिए एक ही नंबर पे दो दो ब्रांच हैं, एक ही नंबर पे ये ब्रांच हो गया और ये, तो 1,1 मतलब एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर में ब्रांच है तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल हो गया। अगर एक कार्बन अगर हम और बढ़ा देते तो ये जब 3 होता तो ये प्रोपाइल हो जाता, तो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इथाइल लिखेंगे 4 इथाइल, उसके बाद कहां मिथाइल है तो मिथाइल है आपको 3 पर 3 मिथाइल, ये देखिए कहां पे आपका 6 है ना तो 6 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, फिर टोटल कितने कार्बन है 9 है तो लिख देते हैं 9। एक्चुअली आप इसके पहले इसको लिखते तो ज्यादा ठीक था। एक और एग्जांपल देखते हैं, आइए जरा देखते ही जब एग्जाम्पल है देखना है तो देख लिया जाए पूरा क्या आ जाता है इसमें, क्यों जी बोलिए हाँ या ना। ये हो गया आपका और एक और, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, अब इतना भी लंबा ब्रांच देने की जरूरत नहीं है, रहने देते हैं 3 ही कार्बन तक और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल सा मैं ले रहा हूँ। देखिए तो सबसे लंबा कार्बन चेन, तो सबसे लंबा कार्बन चेन आप सबको दिख रहा होगा, ये होगा आपका सबसे लंबा कार्बन चेन। अब नाम 1 2 3 पे ब्रांच है, उधर से 3 पे ब्रांच नहीं है देख पा रहे हैं तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भाई ये तो मिथाइल है, कितना पे है 3 पर तो आप लिख देंगे 3 मिथाइल, ठीक है। ये क्या है आप देख के बताइए आप लोग, ये क्या है,
तो यहां से आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 1.2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, तो इसका नाम है कितना नंबर पे, 6 पे, तो लिखेंगे 6 ब्रैकेट में 1.2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और ब्रैकेट क्लोज, टोटल है 11 माने अनडेकेन, 11 को क्या कहते हैं अनडेकेन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये अगर सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच है, ब्रांच के अंदर में ब्रांच हो या जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं, तो इस तरह से उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके बावजूद भी अगर आपको न समझ में आए तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।